देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पूरे घर में वो झुमका ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिला। पक्का वो हैदर के बिस्तर पर ही रह गया है। वो दुआ बुढ़िया की खिदमत में लगी होगी। उसके आने से पहले मुझे वो झुमका लेकर यहां से जाना होगा। यही कहीं होना चाहिए वो झुमका। इसे ढूंढ रही हो? जल्दी उठिए और देखिए ये बेहया रंगे हाथों पकड़ी गई। जल्दी उठिए और देखिए गदर का असली चेहरा। ओहो दुआ क्या हो गया? मैं सोने की कोशिश कर मुझसे नहीं इससे पूछिए कि ये इतनी रात को हमारे कमरे में क्या कर रही है। दादा तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। तुम यहां क्या कर रही होगा सर? चुप क्यों खड़ी हो? बोलो यहां करने क्या आई थी गजल? ये क्या बताएगी? मैं आपको बताती हूं हैदर। एक सेकंड। नींद में है, नींद में चलने की बीमारी है इसे, शायद तुम भूल गई हो। ये देखो, ये देखो। दिखाई दे रहा है? पूरी तरह नींद में है, होश खोर बैठी है ये अपने। ऊपर वाला क्या बचाता है मुझे? थैंक यू हैदर, तुमने क्या तरकीब बताई है। हैदर ये नींद में नहीं है, ये नाटक करिए, ये पूरे होश में। ये नाटक क्यों करेगी? तो मेरी बात का यकीन कीजिए, ये नाटक करिए। दुआ मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम्हें गजल जरा भी पसंद नहीं है। हैदर मैं सच बोल रही हूँ, ये लड़की नाटक कर रही है। इसके झुमके या झुक गए थे इसलिए वापस आई है। हमारे कमरे में जी। एक सेकेंड। दोनों झुमके इसके कानों में। वाह गजल वाह, मानना पड़ेगा इतनी जल्दी अपनी मौजूदगी का सबूत मिटा दिया। इधर मेरी बात का यकीन कीजिए, ये इस कमरे में आई थी। पर क्या करने आई थी? बताना तो चाहती हूँ इधर, पर मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। देखिए आप मारी है। क्या हो गया है तुम्हें? हैदर मेरी बात का यकीन कीजिए, ये सच में इस कमरे में आई थी। कब आई थी? सारा वक्त तो तुम मेरे साथ थी। नहीं हैदर, मैं सारा वक्त आपके साथ नहीं थी।
मैं दादी अम्मी के पास गई थी, उसी बीच ही मौका परस्त मौका देखकर यहाँ आ गई थी। और यहाँ के क्या किया उसने? लिपट के सो गई मेरे साथ? शायद यही किया होगा और इसी बीच इसका झुमका बेड पे रह गया होगा। तो क्या हो गया है? उसका झुमका हमारे कमरे में है, लिपट के मुझसे सो रही थी हमारे बिस्तर पर, और मुझे खबर नहीं है। इतनी गहरी नींद भी नहीं सोता हूं मैं दुआ। दुआ कुछ और बोले इससे पहले मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कितनी बड़ी नाटकबाज है ये। हाल दिख रही हो इसकी? ये अपने होश में नहीं है और तुम इस पे इल्जाम लगा रही हो। समझ में नहीं आ रहा हैदर को कैसे यकीन दिलाऊं कि ये पाखंडी एक्टिंग कर रही है। तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रुकिया, इसे मैं देखती हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसे कुछ बोलने से कोई फायदा नहीं। ये बेचारी तो होश में ही नहीं है। कैसी बीमारी लगी है ना बेचारी को नींद में चलने की। जरूर इस दुआ के दिमाग में कुछ चल रहा है, पर क्या। कोई बात नहीं, मैं इसे इसके कमरे तक छोड़ के आती हूँ। अच्छा, तुम उसकी खास दोस्त उसे कमरे में छोड़ने जाएगी? क्यों, नहीं छोड़ सकती। आपको क्या लगता है मैं इसे सीढ़ियों से धक्का दे दूंगी? अच्छा, तो इसके दिमाग में ये सब चल रहा है जैसे इसने दादी अम्मी को दिया था। दुआ, नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। ये तो बेकसूर है, इसने थोड़ी ना कुछ किया है। आप फिक्र मत कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं इसे छोड़ के आती हूँ। अच्छा सुनो जी, किसी को कुछ कहना मत। क्या ये कितनी शातिर है? दुआ, नहीं नहीं, मैं तो फिर से मजाक कर रही थी। ये तो दूध की धुली है, कितनी शरीफ है। अच्छा क्या नहीं बताना? वो किसी को ये मत कहना कि ये इस नींद की हालत में इस कमरे में आई थी। घर वालों को खामखा फिक्र हो जाएगी। जी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं ना इसे इसके कमरे तक छोड़ के आऊंगी, इसे इसके बेड पे सुलाऊंगी, इसे रस्सी से बांध दूंगी ताकि ये नींद में किसी और की चीज पे हाथ ना डाले। अब इस बेचारी का मजाक उड़ाना बंद करो और यहां से लेकर जाओ। जी। अच्छा सुनिए, वो देख ले। तो देख ले, वैसे भी नींद में है। और मैं अपने शौहर को प्यार कर रही हूं, किसी और के शौहर को थोड़ी। तुम इस किस्म की हरकत करती हो ना, मुझे लगता है कि मुझे अपनी पुरानी दुआ वापस मिल गई है। वापस तो वो लोग मिलते हैं जो कहीं खो जाते हैं, और मैं तो आपके पास ही थी, अब भी हूं और हमेशा रहूंगी। आपके और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता, चाहे कोई लाख कोशिशें कर ले। जल्दी से जाओ, इसे छोड़कर आओ। जी, मैं अभी गई, अभी आई।
इस मुसीबत को इसके कमरे तक छोड़ के। और आप ज़रा जल्दी आना, मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक। खैर करे, ये मैं क्या देख रही हूँ? दुश्मन अपने दुश्मन को सहारा दे दिए, सौतन सहेली कैसे बन गए? पड़ी आई धक्का मारने वाली, सोचना भी मत। मैं दुआ हैदर अख्तर हूँ, गजल रहमानी नहीं, जितनी गिर जाऊंगी। वैसे नींद में चलने की एक्टिंग अच्छी की तुमने, थोड़ी और कोशिश करो, शायद एक आधा अवार्ड मिल जाए। ज्यादा होशियार मत बनो, वरना थप्पड़ मिल जाएगा। अदब से बात करो। छड़ी की मार याद है ना? अभी भी एक दो निशान तो होंगे कमर। वो अपनी हद। वैसे कैसा लगा तुम्हें मेरा और मेरे शौहर की मोहब्बत? जरूर अंदर से जल भून के राख हो गई होगी ना? जल भून के राख तो अब तुम होगी दुआ। तुम्हें पता है आज मैंने क्या किया? मैं तुम्हारे कमरे में गई। मैंने तुम्हारे शौहर को अपनी बाहों में कस लिया। और काफी अच्छा वक्त गुजारा उनके साथ। हम दोनों इतने करीब थे कि हम दोनों के बीच से तुम्हारे ख्याल तक के गुजरने की गुंजाइश नहीं थी। तुम जैसी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हैदर की नींद का फायदा उठाकर तुमने मेरे कमरे में मेरे बिस्तर में तो जगह बना ली, पर हैदर के दिल में कभी जगह नहीं बना पाओगी। हैदर और मैं एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तुम जैसी बच्चलन लड़की की तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देखेंगे। तुम्हारा उनके करीब जाना बिल्कुल बेकार है। मुझे तुम्हारे शौहर के करीब आने का शौक नहीं है। वो क्या है ना, कमबख्त दिल आ गया है मेरा तुम्हारे शौहर पर। मेरे कदम खुद ब खुद हैदर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तुम्हें क्या बताऊं दुआ, मैं तुम्हारे शौहर से कितनी मोहब्बत करती हूँ। वो कहते हैं ना कि अगर मोहब्बत बेइंतहा हो तो हिम्मत की जरूरत नहीं पड़ती, कदम आशिक की तरफ खुद बढ़ जाते हैं। तुमने तो मुझे हैरत में डाल दिया। तुम जैसी बेगैरत तो तवायफ भी नहीं होती। तू अपनी हद में रहो, मैं बता रही हूँ। सच्चाई बहुत कड़वी लगी तुम्हें। अफसोस, तुम्हारे अम्मी अब्बू आज जन्नत में बैठ के उदास हो रहे होंगे। ये सोच रहे होंगे कि हमारी बेटी तो एक बाजारू औरत से भी गिरी हुई है। हाथ संभाल के रखो वरना टूट जाएंगे। तुम जैसी लड़कियां तो सड़कों की धूल की तरह होती हैं, हाथ लगाओ तो हाथ गंदे हो जाते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसी लड़की को मैं अपना दोस्त समझती थी। हैदर चिल्लाते रहे, चीखते रहे कि ये लड़की दोस्ती के लायक नहीं है दुआ, लेकिन उस वक्त मैं नहीं समझी।
और सही कहा था, तुम जैसी लड़कियां मेरी दोस्ती क्या, मेरी दुश्मनी के लायक भी नहीं हो। अगर मैं चाहूं तो अभी सबको जगा कर सबको बता सकती हूँ कि कैसे तुम मेरे हैदर के साथ मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पे उनके साथ लिपट के सो रही थी। पर मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अपने मगरमच्छ के आंसू बहाओगी और ड्रामा करोगी, क्योंकि यही तुम्हें आता है। इसीलिए मैं अपनी गलती नहीं दोहराऊंगी। तुम्हें तुम्हारी जुबान में जवाब दूंगी। अच्छा बोल लेती हो, काश इससे ज्यादा भी कुछ कर पाती। तुम पक पक करती रह जाओगी और मैं अपने हैदर को उड़ाकर ले जाऊंगी। आज तक भी मैं जीतती आई हूं और आगे भी मेरी ही जीत होगी। तुम्हारा यही यकीन तुम्हारी फांसी का फंदा बनेगा। आज तक तुमने उस दुआ का सामना किया है जिसे इस खानदान की, इसके घर वालों की बहुत परवाह थी, पर अब तुम्हारा सामना उस दुआ से होगा जिसे सिर्फ और सिर्फ उसके शौहर की अहमियत है। अब तक जो किया इस खानदान के लिए किया, पर यहां किसी ने मेरा भरोसा नहीं किया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, किसी के साथ की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए अकेली ही काफी हूं। दुआ, तुम हो? तुम कर क्या रही हो? पागल हो गई हो क्या? पागल नहीं रूहान की अम्मी, खुदगर्ज हो गई हूँ। गजल इस खानदान के साथ जो चाहे कर ले, मुझे अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कि रूहान की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है ना, उससे निकाह का नाटक करिए, मोहब्बत का नाटक करिए, कल की चलती आज करो उसकी जिंदगी बर्बाद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हैदर की तरफ आंख उठाकर देखने की इजाजत मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। सबको इस बात से परेशानी थी ना कि दुआ रूहान और गजल के निकाह के लिए मान क्यों नहीं रही है। अब सबकी शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि मुझे रूहान और गजल के निकाह से कोई दिक्कत नहीं है। रूहान को मैंने कितना समझाया कि ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है रूहान, पर उसने मुझे समझने की जगह मेरी बेइज्जती की। ये भाभी कहलाने के लायक नहीं है, ये औरत एक नंबर की झूठी है, मक्कार है। मेरे हैदर के साथ बदसलूकी की। अगर मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूं ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपका सौतेला भाई हूं। उसे तो तुम जैसी बीवी ही मिलनी चाहिए, वो इसी लायक है। सच कहूं तो उससे ज्यादा बदकिस्मत इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, जिसे उसकी माँ ही आग में झोंक देना चाहती है। तुम सबको तुम्हारी बदकिस्मती मुबारक। मेरे शौहर मेरा इंतजार करें तो मुझे तो जाना है। तुमने सुना था ना वो क्या कह रहे थे गजल? दुआ, मुझे तुम्हारा बेसब्री से इंतजार रहेगा, तो मैं उनके पास चलती हूँ। खुदा खैर करे, हथेली पे चांद लेकर ढूंढने से भी ऐसी दुल्हन नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने रूहान की अम्मी, अब तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि रूहान का निकाह गजल से ही हो। लाखों में एक बहू, आपको मुबारक हो रूहान की अम्मी।
खैर करे, ये किस तरह का मुबारकबाद देकर गई है मुझे? हाँ? मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे गजल। कहीं इस दुआ ने तुम्हारा और रोहन का निकाह कर दिया तो? सही कहा तुमने, पहली बार मुझे दुआ का खौफ हो रहा है।